हेलो दोस्तों, वेलकम टू शोरलैंड प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। पहले मैं बताना चाहूँगा ग्लोव वर्सेस मिड का जो मैच है इंग्लिश ओडीआई उसका मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूँ दोस्तों, जिससे आपको इजी हो जाए समझने में कि किस तरह से मैच जा रहा है दोस्तों। और मैं पहली बात ये बताना चाहता हूँ, अब कुछ मैचेस बचे हुए हैं दोस्तों, इसके बाद सीधा क्वार्टर फाइनल होने वाला है। एक दो मैच और होगा 7 जून तक, उसके बाद क्वार्टर फाइनल चालू हो जाएगा। क्वार्टर फाइनल में आपको दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी टीम होगी और कौन कौन से प्लेयर होंगे, जिससे आपको इजी हो जाएगा। और थोड़ा डेटा एनालाइज करूंगा मैं टाइम निकाल के। तो पहले बात करते हैं ग्लोव वर्सेस मिडल एक्स की, तो जिससे आपको इजी हो जाए दोस्तों। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ दोस्तों। अगर वीडियो को ध्यान से नहीं सुनते हो आप तो आपका लॉस होगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मेन पॉइंट मेरा यही है दोस्तों, वीडियो को सुनिएगा ध्यान से, चाहे वीडियो देखो या मत देखो, लेकिन प्लीज़ ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से नहीं सुनते तो आपको रिस्क होगा। कीपर में बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जॉन सिम्पसन डेफिनेटली खेलेंगे टीम में, उनको आप रख सकते हो। ग्रेथ रोड्रिक भी खेलेंगे, तो दो कीपर के सेफ ऑप्शन मिल गए यहाँ पर। अब बैटिंग लाइनअप में पॉल स्टर्निंग, जॉर्ज हैंकिंग, निक गोबिंस, क्रिस डंट, इयन मॉर्गन, इंजरी का इयन मॉर्गन आ चुके हैं दोस्तों टीम में, तो आप इन 5 प्लेयर को रख सकते हो। इयन मॉर्गन, पॉल स्टर्निंग, क्रिस डंट, हैंकिंग, निक गोबिंस। परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों, तो स्टर्लिंग और निक गोबिंस लास्ट 2 मैच से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आप इनको टीम में रख सकते हो दोस्तों। दोनों भी सेफ ऑप्शन है, दोनों डेफिनेटली खेलेंगे। वहीं पर मॉर्गन इंजरी के बाद से आप टीम में आ चुके हैं, तो डेफिनेटली खेल लेंगे, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई इंग्लैंड का है तो उसमें इनको काफ़ी सारा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और टीम के कैप्टन भी हैंगे। तो वहीं पर आप क्रिस डंट को और हैंकिंग को भी टीम में रख सकते हो। अदर देन इनके सिवा अगर आपको चाहिए तो कौन से प्लेयर रख सकते हो वो भी बात कर लेते हैं। तो ये भी प्लेयर्स डेफिनेटली खेलने वाले दोस्तों, तो यहाँ पर आप ले सकते हो स्किंजाई को टीम में, इयन कुकबिन को रख सकते हो, जेक टेलर को रख सकते हो, जिससे आपकी बैटिंग लाइनअप में काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाए। तो 8 बैट्समैन का ऑप्शन मिल गया दोस्तों, 8 में से किन्हीं 3, 4, 5 को आप टीम में रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टीम। अगर आपको बैटिंग के साथ जाना है तो 5 रखिएगा, अगर आपको ज़्यादा बॉलर्स और ऑलराउंडर पर भरोसा करना है तो 4-3 रख सकते हो अपनी टीम में। तो इस तरह से आप टीम बना सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो बेस्ट ऑलराउंडर्स इसमें आपको देखने मिलेंगे। बेनी हॉल जबरदस्त ऑलराउंडर है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे लेकिन काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है दोस्तों। और यहाँ पर बात की जाए मिडिल एक्स की तरफ से, तो कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है फिर भी, लेकिन ऑप्शन है ये प्लेयर्स सारे। अगर आपको ऑलराउंडर में रखना है तो बेनी हॉल को डेफिनेटली आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छे परफॉर्मर हैं। परफॉर्म तो नहीं कर पा रहे लेकिन इनको मैंने लास्ट ईयर देखा है परफॉर्म करते हुए, किसी ना किसी मैच में परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये आपको माइनस पॉइंट नहीं देंगे इसकी गारंटी है। जेम्स फ्रैंकलिन भी ज़बरदस्त फॉर्म में नहीं चल रहे, परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, फिर भी आप इनको टीम में रख सकते हो क्योंकि इनको खिलाया जाएगा। अगर आप चाहिए तो इनको आउट कर सकते हो। वहीं पर रेन हैगिन भी कंपेयर करें तो जेम्स फ्रैंकलिन के कुछ इतना खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको भी आप टीम से बाहर रख सकते हो। एक सिंपल सा लॉजिक होगा, फिर आपका एक ऑलराउंडर के साथ जाइए, 5 बैट्समैन बढ़ाइएगा, तो उसमें हिल्टन कैटरेट को आप डेफिनेटली रख सकते हो, काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर है, लिस्ट में इनको दिया गया, लेकिन ऐसे ऑलराउंडर जैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे दोस्तों, तो ये भी थोड़ा रिस्की हैं। अगर आप सेफ खेलते तो इनको मत रखिए, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे ये आपको। नाम बड़े हैं लेकिन काम बड़े नहीं कर पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं हिल्टन कार्टराइट। अब बात करें बॉलिंग लाइनअप में, तो ज़बरदस्त बॉलिंग लाइनअप है दोस्तों मिडल एक्स की, क्योंकि उनकी बॉलिंग अटैक जो दोस्तों आप देख सकते हो क्रेडिट वाइज पॉइंट वाइज भी, रवि पटेल, स्टीवन फिन, टॉम हेलम, नथन स्वेटर, ये चारों के चारों गेंदबाज दोस्तों मिडल एक्स के। सबसे बड़ी बात ये कैप्टन है फिन, जो एक बॉलर है कैप्टन टीम का, तो काफ़ी सारे बॉलर को खिलाता है मैच में, वो भी अच्छे बॉलर, टॉम हेलम, रवि पटेल स्पिनर है, नथन स्वेटर, तो ये चारों के चारों गेंदबाज डेफिनेटली खेलेंगे दोस्तों। इन 4 में से किन्हीं 3 या 5, 4 को आप सेलेक्ट कर सकते हो या 2 को सेलेक्ट कर सकते हो बॉलिंग पर। अगर आपको भरोसा करना है तो आप यहाँ पर क्रिस लिडल, क्रेग मैनियन, टॉम स्मिथ, मैट टेलर, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों अपोजिट टीम से आपको। ग्लो की तरफ से उसमें से डेफिनेटली क्रिस लिडल खेलेंगे, मैनियन खेलेंगे, टेलर और इसमें थोड़ा रिस्की है, तो आप दोनों को बाहर रख सकते हो, क्योंकि बेनी हॉल वहाँ पर एक गेंदबाज मिल जाते हैं तो 3 ओवर वो डालेंगे। रिन हिगिन्स हैं एक गेंदबाज। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बोलता हूँ कि जो कोई भी मेरा वीडियो देखता है तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ध्यान से सुनने के ऊपर है, देखने के ऊपर से नहीं है। आप अगर सुनते हो ध्यान से तो आप डेफिनेटली ग्रैंड लीग जीत सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर ग्रैंड लीग वीडियो देखना कुछ नहीं होता दोस्तों, सुनना होता है। जो कोई भी प्रिडिक्शन करता है उसकी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मेरे वीडियो को देखिएगा,
आप 3 से 4 लोग के वीडियो को देखिए, अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी लगा रहे हो, 3 से 4 लोगों के वीडियो को देखिएगा, और 3 से 4 लोग के वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सा प्लेयर डेफिनेटली खेल सकता है, कौन सा बैठ सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, काफ़ी लोग को नहीं मिलता है, कभी कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो जाती है, किसी और को मिल जाती है, किसी और की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो इस तरह से ये चलते रहता है दोस्तों। तो आपको सब चैनल्स पे भरोसा करना होगा, इन द सेंस भरोसा नहीं करना होगा, आपको सब चैनल का सुन के खुद का लॉजिक लगाना होगा। मिनिमम 2 से 3 चैनल को आप सुन सकते हो। जॉन सिम्पसन को आप ले सकते हो दोस्तों टीम में, स्टर्लिंग डेफिनेटली खेलेंगे, गुबिन्स खेलेंगे, हैंकिन खेलेंगे, क्रिस डंट खेलेंगे, बेनी हॉल खेलेंगे, हिगिन खेलेंगे, फ्रैंकलिन थोड़ा रिस्की हो सकते हैं लेकिन डेफिनेटली खिलाया जाएगा एक्सपीरियंस के कारण, फिन स्वेटर और टॉम हेलम। तो यहाँ पर आपके 11 11 प्लेयर डेफिनेटली खेलने वाले, जो उनके चांसेस हाई है खेलने के और डेफिनेटली खेलने वाले लगते हैं, तो उनको मैं प्रीव्यू में बता दे रहा हूँ दोस्तों। आपको सेम टीम क्रिएट नहीं करना है, जस्ट फॉर प्रीव्यू आपको आइडिया मिल जाए। अब आप कौन कौन से प्लेयर को ला सकते हो बैटिंग लाइनअप में, रॉड्रिक को ला सकते हो, स्किन जाई को ला सकते हो, टेलर को ले सकते हो टीम में, कुकबिन को ले सकते हो, मॉर्गन अब इंजरी के बाद आ चुके हैं डेफिनेटली खेलेंगे, उनको ले सकते हो, हिल्टन कार्टराइट को आप टीम में रह सकते हो, कैप्टन नहीं बनाना है इन्हें दोस्तों आपको स्मॉल लीग में, सिर्फ जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए मैंने ऐसा रखा है कि आपको मैं सारे प्लेयर एक बार में कंपेयर करके बता दूँ। तो आप यहाँ पे रवि पटेल को ला सकते हो टीम में, क्रिस लिडल डेफिनेटली खेलेंगे, थोड़ा रिस्क लेके आप मिलेंस को रख सकते हो टीम में, और वहीं पे टॉम स्मिथ भी डेफिनेटली खेलेंगे लेकिन थोड़ा रिस्की हो सकते हैं। तो वहाँ से 10 प्लेयर, और यहाँ से मैंने टोटल आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो 10 और ये 9, टोटल आपके हो गए दोस्तों 20 प्लेयर। 20 प्लेयर में से आपको 11 प्लेयर क्रिएट करना है जिससे आपको इजी हो जाए दोस्तों मैच जीतने के लिए। और जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि कैप्टन वाइस कैप्टन बनने लायक कौन कौन से प्लेयर थे वहाँ पर, तो मैंने बता दिया था आपको जिससे आपको इजी हो जाए दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए, और एक अच्छा अमाउंट आप विन कर सको। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब कभी भी मेरा वीडियो देखे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वीडियो नहीं देखेंगे चलेगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मेन बात तो सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनते हो तो डेफिनेटली आप ग्रैंड लीग या कोई भी लीग जीत सकते हो अपनी ओन टीम क्रिएट करके, तो आपको काफ़ी सारा चांसेस मिल सकता है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।